वहीं आपको बता दें राजधानी लखनऊ की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है और शहर के अलग अलग इलाकों में जांच में पता चला कि लालबाग की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। गोमती नगर अभी जहरीली हवा से बचा हुआ है। वहीं लॉकडाउन के दौरान ये आंकड़ा 100 के नीचे आ गया था, लेकिन अभी स्थिति बेहद भयावह है। विज्ञान संचारक और पर्यावरणविद सुशील द्विवेदी ने बताया कि लखनऊ की हवा जहरीली हो चुकी है और लोगों की को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ा एक फायदा ये देखने को मिला, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो काफी कम हो गया था, जो हवा थी वो स्वच्छ हो गई थी, सांस लेने लायक थी। लेकिन अभी लखनऊ की जो हवा है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। हमारे साथ विज्ञान संचारक और पर्यावरणविद हैं सुशील द्विवेदी जी। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त जो है हम लखनऊ के अलीगंज एरिया में मौजूद हैं और अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स लखनऊ का बहुत ज्यादा खराब होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया है, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसे वायु गुणवत्ता सूचकांक कहते हैं और ये वायु में घुली हुई गैसों के बारे में बताता है कि वायु में कौन कौन सी गैसें घुली हुई हैं, अर्थात क्या इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस है या नाइट्रस ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या ओजोन है या लेड है। तो ऐसे प्रदूषक चीज़ों के साथ साथ PM10 और PM2.5 ये भी प्रदूषक कण होते हैं जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, और जब ये हवा में घुले रहते हैं एक सीमित मात्रा से ज़्यादा घुल जाते हैं तो वो हवा जहरीली हो जाती है। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर दिखाना चाहूँगा कि इस समय लखनऊ की हवा कैसी है। जैसे हमारे जो एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, ये ऐसे लखनऊ में 4 जगह पर स्थापित किए गए हैं, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा लगाए गए हैं। और इस समय देखिए ताल कटोरा की हवा सबसे जहरीली है। ये औद्योगिक क्षेत्र है लखनऊ का ताल कटोरा, यहाँ पे 308 हवा का जो AQI का स्तर है 308 है, अर्थात ये बहुत ही खराब श्रेणी की हवा है। मेरे और आपके फेफड़ों को भी खराब कर सकती है, एल्वोलाई को डैमेज कर सकती, इम्फाइसिमा कर सकती है, हमें और आपको COPD कर सकती है, हमारे बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, सबसे साफ हवा इस समय गोमती नगर की है और दूसरे नंबर पर देखिए अलीगंज कितना साफ सुथरा क्षेत्र होता था और इस समय अलीगंज में जो ये 305 AQI है, देखिए 305 AQI अलीगंज की बता रहा है। तो स्थिति बहुत गंभीर है, संभल जाइए, अभी संभलने वाली बात है। जैसा कि लॉकडाउन में देखा गया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत नीचे आ गया था, 100 के नीचे आ गया था और जो स्थितियां थी वो ठीक थी, लेकिन अभी 300 के ऊपर AQI इंडेक्स जा चुका है। जैसा कि विज्ञान संचारक हैं, पर्यावरणविद भी हैं, सुशील द्विवेदी जी ने कहा कि अभी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए और जिस तरीके से लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे थे, गाड़ी का कम इस्तेमाल कर रहे थे, उसको फिर से कंटिन्यू करें और ये जो मास्क है ये बहुत ज़्यादा लगाना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से तो ये बचाव करेगा ही, साथ ही साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो रहा है, जो हवा है वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो रही है, उससे भी कहीं ना कहीं आपको जरूर बचाएगा। क्रमशः अखिलेश सिंह के साथ मयूर शुक्ला, लाइव टुडे लखनऊ। और इन्हीं खबरों के साथ यूपी लाइव में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।